Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरा चैनल CWSaima। आज मैं आपके साथ कद्दू के रायते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही मज़ेकार क्विक रेसिपी है, इतनी जल्दी बन जाता है। जैसा कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो खाने को, इतनी गर्मी में खाने को कम ही दिल करता है। अगर हम खाने के साथ कोई रायता, कोई चटनी वगैरह बना लें तो बहुत मज़ा आता है और खाना भी ठीक से खाया जा सकता है। यह रायता बहुत जल्दी बन जाता है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना। कद्दू का रायता बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। दही मैंने लिया है आधा किलो, इसमें मैंने दो छोटे साइज़ की हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया और पुदीना डाल के इसको मैंने ब्लेंड कर लिया ब्लेंडर में, ठीक है। एक प्याज लिया, उसको फाइन चॉप कर लिया है। फाइन चॉप करके मैंने ठंडा यख पानी लेके उसमें आधा चाय का चम्मच नमक और एक चम्मच जो था सिरका डाल के मैंने उसमें रख दिया था भिगो के, ताकि इसमें कड़वाहट ख़त्म हो जाए। अब पानी इसका मैंने निकाल दिया है। अब ये प्याज आपके सामने है, ये मैंने लिया एक प्याज, इसको फाइन चॉप किया हुआ है। उसके बाद टमाटर लिए हैं दो मैंने, एक ग्रीन है एक रेड है, जो मर्ज़ी आप ले सकते हैं। इसको भी चॉप किया हुआ है, फाइन चॉप कर लेंगे जिस तरह से आपको अच्छे लगते हैं। कद्दू है एक छोटे साइज़ का लिया है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। आधा चाय का चम्मच नमक डाल के बॉईल करके इसको मैंने मैश कर लिया है। सबसे पहले आपने कद्दू को छीलना है, फिर छील के छोटे पीसेस में काट के इसको बॉईल कर लेना है, उसके बाद इसको मैश कर लें। अगर ऐसा नहीं करना तो आप इसको कश करके उसके बाद बॉईल कर लें, बॉईल करके फिर आप ऐसे ही उसको डाल सकते हैं, फिर मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मसाले इसमें कौन से जाएंगे, नमक लिया है मैंने आधा चाय का चम्मच, चाट मसाला लिया है ये भी आधा चाय का चम्मच है, ज़ीरा पाउडर लिया है आधा चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर ये भी आधा चाय का चम्मच लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे तो हमारा कद्दू का रायता बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बहुत ही जल्दी बन जाता है, क्विक रेसिपी है ये। कद्दू का रायता रेडी है व्यूवर्स, बहुत ही मज़े का बनता है, आपने इसको बनाना है। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। कद्दू वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट सब्ज़ी थी ये। इसका रायता गर्मी में बनाएं बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का बनता है, आपने इसको ट्राई करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आप चाहते हैं कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल कुकिंग विद साइमा, थैंक यू।